नमस्कार दोस्तों, आइए हम बात करते हैं सेलुलर जेल या काला पानी की सज़ा के बारे में। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में एक ऐसा सज़ा का प्रावधान किया गया था जिसको सुनते ही कैदी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिर ऐसा क्या था इस सज़ा में जिसको सुनते ही कैदी कांप उठते थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से। बात है 1897 की। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल का निर्माण किया जा रहा था। यह जेल ब्रिटिश सरकार के देखरेख में बनाया जा रहा था। इस जेल को बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा और यह जेल 1906 में बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। इस जेल में जो ईंट का प्रयोग किया गया था वह ईंट को बर्मा यानी म्यांमार से मंगाया गया था। उस समय इस जेल को बनने में लागत लगभग 5,17,000 रुपये की लागत आई थी। आपको बता दें कि इस जेल को बनाने का ख्याल अंग्रेजों के मन में 1857 की क्रांति के बाद ही आया था। इस जेल को बनाने का खास उद्देश्य हमारे क्रांतिकारियों के आवाज़ को दबाना था। अब बात करते हैं कि इस जेल का नाम सेलुलर जेल क्यों पड़ा। हम आपको बता दें कि इस जेल में प्रत्येक कैदी के लिए अलग सेल यानी कक्ष का व्यवस्था किया गया था। इनमें कुल 696 कोठरियाँ बनाई गई थी। प्रत्येक कोठरी 15x8 फीट की थी और इस कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर एक रोशनदान बनाया गया था ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात न कर सके। यह जेल चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, यानी जहां तक आपकी दृष्टि जाती थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। इस जेल का संरचना एक ऑक्टोपस की तरह से बनाया गया था। इस जेल की सबसे खास बात यह थी कि इसका जो चहार दीवारी बनाया गया था काफ़ी छोटा बनाया गया था, जिसको कोई भी कैदी आसानी से पार तो कर सकता था लेकिन यहाँ से भाग पाना नामुमकिन ही था, क्योंकि ऐसे करने वाले कैदी या तो पकड़े जाते थे या फिर डूबकर मर जाते थे। बताया जाता है कि एक समय 238 कैदियों ने यहाँ से भागने का प्रयास किया था लेकिन पकड़े गए। उनमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर, बाकी 87 कैदी को जेल अधीक्षक वाकर ने फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। सेलुलर जेल के बीचों बीच में एक टावर बनाया गया था जिसमें एक घंटी लगी होती थी। इस घंटी का प्रयोग जेल प्रशासक करता था कि सबसे पहले इस जेल में कैदियों को जेलर बेरी और जेम्स पेटिसन वाकर के नेतृत्व में लाया गया था। समय समय पर ऐसे ही भारत के अलग अलग जगहों से कैदियों को लाया जाता था। इस जेल में रहने वाले कैदियों से हर रोज 30 पाउंड नारियल और सरसों से तेल निकलवाने का काम किया जाता था। यदि कोई कैदी इसका विरोध करता तो उसको बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी और बेड़ियों में जकड़ लिया जाता था। इसी सज़ा को काला पानी की सज़ा के नाम से जाना गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापानियों ने सेलुलर जेल पर कब्जा कर लिया और सेलुलर जेल को बनाने वाले अंग्रेज को ही बतौर कैदी के रूप में इस्तेमाल किए। जापानियों ने सेलुलर जेल के 2 हिस्सों को नष्ट कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद 1945 में फिर से सेलुलर जेल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। भारत की आज़ादी मिलने के बाद इसके 2 और हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया। हमारे जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस जेल में काला पानी की सज़ा काटी है उनमें सबसे पहला नाम बीडी सावरकर का आता है, उसके बाद बाबूराव सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, एस शरद चंद चटर्जी, मौलाना अहमद उल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, बामन राव जोशी, भाई परमानंद, मौलवी लियाकत अली, फजले हक खैराबादी, मौलाना फजल ए खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला जैसे नाम सम्मिलित हैं। अभी भी सेलुलर जेल के दीवारों पे इन क्रांतिकारियों का नाम लिखा गया है। 1969 में सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया और 1963 में यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया जिनमें 500 से अधिक बेड हैं और यहाँ पर 40 से अधिक डॉक्टर कार्यरत हैं जो मरीजों को निस्वार्थ सेवा करते हैं। यदि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।